मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ सरदारी और फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक सदर को जेल में 1 लाख देने की दरखास्त पर दलाइल जारी। उधर नैब का नए शवाहिद की रोशनी में जरदारी के खिलाफ जिमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। भारत की आबी जा रही है इत्तला किए बगैर ही डैम्स का पानी छोड़ दिया। दरियाए सिंध और सतलुज में पानी के रेले छोड़े। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कसूर और दरियाए सिंध के अतराफ अजला के लिए अलर्ट जारी। भारत ने लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज भी खोल दिए। वजीर आला पंजाब ने मामले पर गौर के लिए इजलास तलब कर लिया। हम दुश्मन भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल गोलाबारी। तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी पर मार्टर गोले और रॉकेट गिरने से 2 बुजुर्ग शहरी शहीद। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब में 2 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में शादी की तकरीब पर हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की साजिश, दफ्तर खारजा ने सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना है पाकिस्तान का कोई शहरी काबुल दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं, वैशियाना दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, साहिवाल, सफदराबाद और टोबा टेकसिंग में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ अबरे करम बरसा। पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हयातआबाद में जालाबारी।